जिला कलेक्टर मोहनलाल यादव व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने नांदोती तहसील का दौरा किया और नांदोती पंचायत समिति में अधिकारियों की मीटिंग ली। इसके बाद शहर स्थित पूर्व विधायक रमेश मीणा की गौशाला पहुंचे और पूर्व विधायक रमेश मीणा से रूबरू हुए और गौवंश के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर यादव ने कहा कि गौशाला में से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो प्रशासन को जरूर अवगत कराएं। उसके बाद जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी को देखकर इस दौर में जनसूचना संपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मीणा, करौली एक्शन प्रकाश चंद मीणा, उप जिला कलेक्टर रामनवास मीणा, नांदोती तहसीलदार पंखीलाल मीणा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो प्राइमरी सपोर्टिंग सिस्टम था ना गांव का, उसको ठीक किया, फिर सेकेंडरी सपोर्टिंग सिस्टम और रखने हैं, जैसे तालाब है, छोटे तालाब है, कलाई है, इनको किया। फिर इनको भी ऐसे किया हमने कि भाई उसको हरे, ये तो वो है, इसको इसको विशेषता है, वैसे आपको लेना चाहो तो ले सकते, लेकिन ये सुपारी का जो पेड़ है ना, वो चेयरमैन है उसने ये और इसके जरिए हाँ राजस्थानी में शायद नहीं मंगाया अभी तक उन्होंने, मैंने बोला था पिछली बार जो गया था कि भाई इसको मंगा लो, क्या है कि बहुत ही सस्ता ये दिखाया था कि भाई ये और उसका वंश अभी भी कतल खाने में नहीं जाना चाहिए, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक नहीं जाएगा, बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि वो नहीं भेजेगा तो बछड़ा होगा तो उसको भेजेगा, इसलिए हमने मैंने यहाँ आके नियम बनाया कि ना तो इसका बछड़ा और ना बछड़े किसी को देना है, जो परिवार रहता है या अपने परिवार में एक है तो उस तरह से इसको रखा जाता है। तो बढ़ते बढ़ते अभी 28 तो बछड़े हैं, इससे ऊपर छोटी बड़ी गाय है। ये बछड़ों को क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो बात ही करके ऐसे कुछ काम तो लेते नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है उसका विचार कर, क्योंकि किसी ने बनाया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, मैंने देखा आप भिलवाड़ा में देखना एक नौगावा है, भिलवाड़ा में तो संग वालों का भी, हाँ वही संग वालों का ही है, हाँ उसमें ये वो जो आप बता रहे हो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप वो करते हैं, एक ने बाकी तो इनका यूज एक ठीक है, गोबर वगैरह हो गया, गोबर से वो उसका वो हाँ हमारे गोबर जितना इनकी करवाया है उसका सर्टिफिकेशन तो बहुत ही मतलब A+ कैटेगरी का है, AA+ कैटेगरी का। दूसरा हमारा गेहूँ है काठिया गेहूँ, तो वो लाल गेहूँ जो है काठिया गेहूँ, वो आपने भी शायद नहीं देखा, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, कुछ लोग हैं ये जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, बाकी अभी है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। नहीं वैसे तो देखा है मैंने, लेकिन अब आजकल नहीं है वो, अब नहीं है। अब उसमें बिना फर्टिलाइजर के और बिना पानी के, ये दो विशेषता है, अगर उसको पानी दे दिया तो उसमें रोड़ी लग जाएगी, लाल लाल सा वो रूप होता है, फर्टिलाइजर के यानी फर्टिलाइजर भी नहीं देते हम उसमें, खाली गाय का गोबर है वो ही। तो इस आधार पर करीब अगर देखा जाए तो अब देखो डिमांड तो बहुत है, उन्होंने खुद ने ही वो रेट निकाला कि भाई हाँ हमारा जो देखा है हमने तो अमेजोन वगैरह पे 5400 रुपये किलो तो मैक्सिमम है A2 प्रोटीन का, और मिनिमम शायद पता नहीं कितना 1200 है या 1800 ऐसा कुछ बोले, तो फिर हर महीने वो करीब 40-45 किलो वहाँ ले लेते हैं। कुछ हमारे मंत्री जी है अर्जुन मुंडा जी, वो भी उसको बोले मैं भी लूँगा, हमारे जो MD है वो है 87 बैच के मध्य प्रदेश के, उनके घर में भी है। फिर दो जॉइंट सेक्रेटरी है हमारे टाइप है, वो तो जिसको पता लग रहा है वो, हाँ तो वो मतलब कुल मिला के डिमांड तो बहुत है, सप्लाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, टोटल 84 है सब। और ये जो आपके पानी जो जल संग्रहण वाले हैं वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण वाले 7 बीघा तो नीचे है, 6 बीघा का ये है और लगभग 1.5 बीघा वो समझो 1 बीघा का करीब,
तो इसमें तो एक बार अब की बार तो बरसात खूब हुई है, इसलिए बरसात जब फुल हो जाती है ना तब तो इसमें आप ये देख लो 3 साल का स्टॉक हो जाता है। यानी यहाँ पे है 200 बीघा के करीब जमीन हमारी, तो अगर इसको 10 बार भरा दो ना 2000 बीघा का पानी हो जाता है इसमें, इतना मतलब ओवरफ्लो करके भर लेते हैं। अब जैसे आपने देखा वो तो इससे सिंचाई में काम ले लिया है हमने, लगभग इसमें अब से पहले 90 बीघा की सिंचाई हो चुकी है देख लो, वो भी स्प्रिंकलर से करते हैं ना। अब तो अब दूसरी तरह का सिस्टम लगाया हमने, रेन वाटर वाला हवा वो है पाइप, पाइप में ही फवारा सिस्टम, फवारा लग जाता है वो लिया है, तो उससे ज्यादा बचत होती है, उसमें मेहनत भी कम होती है। फवारा में तो क्या मेहनत बहुत ज्यादा होती है, उसको जिस जगह लगाते हैं ना तो लगाते हैं तो फिर जोड़ने का फिर दूसरी जगह लगाने